नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और अगर आपने अभी तक तैयारी करनी स्टार्ट नहीं करी है तो आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। आपके PET की डेट 20 अगस्त की है, 20 अगस्त को आपका पेपर होकर रहेगा, ये आगे पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल क्लासेस दूंगा। स्पेशल क्लासेस से मतलब कि एक एक क्लास में एक एक टॉपिक हम कवर करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ 5 नंबर की है, ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों क्योंकि हमारा पेपर 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस का है और 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों आप एक चीज सोचें कि 100 नंबर के पेपर में 5 नंबर इन दो चीजों से आनी है हमारे, ठीक है। तो 5 नंबर जब हमारे इन दोनों चीजों से आने हैं तो एक तो हमारी होगी इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा हमारा दोस्तों क्या हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आप पठित गद्यांश, इसमें क्या होता है दोस्तों हमारे, जैसे आपने हिंदी में देखा होगा गद्यांश, गद्य पद आपने अगर पढ़े हुए हिंदी में, उसमें क्या होता है आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे और आपको वो क्वेश्चंस उस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसके बेस पर आंसर करने होंगे। तो दोस्तों इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पैराग्राफ देने के बाद में, क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस, तो हमें उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट अपना चूज करना होगा। तो दोस्तों इनका ब्रेकअप 5 नंबर का है ये, तो आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो हमसे 1 नंबर के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछेगा, ठीक है, 1 नंबर के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा। तो मिनिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलें, ठीक है। तो आपको जो अपना मेन फोकस रखना है ना दोस्तों वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रखना है, ग्रामर से भी ज्यादा। ग्रामर को भी हम करते हुए चलेंगे पर आप डेली का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हुए चलें आज से, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दूंगा, और मैं आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, मैं वहां पे आपको आज से डेली एक कॉम्प्रिहेंशन मिलता रहेगा आपको डेली, वो आप सॉल्व करते रहें, ठीक है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और रही बात ग्रामर की, तो दोस्तों ग्रामर में आपको 40 दिन में इनमें कवर हो जाएगी आपकी, मैं आपको कवर करा दूंगा। हम किस तरीके से कवर करेंगे अभी मैं आपको प्लान भी बताऊंगा, जैसे जैसे हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने 5 नंबर का हमारा ये ब्रेकअप है इसका इंग्लिश का, और 5 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रिहेंशन के रहने वाले हैं। तो हमारा असली फोकस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा कि हमसे वो कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। और ग्रामर दोस्तों फोकस हमारा इसके ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ये छोड़ देना है, हम इसे भी करेंगे, ठीक है, ये भी हम करेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे, जैसा कि UP SSC में ज़्यादातर देखा गया है, आपसे क्या पूछते हैं वो, आपसे पूछते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, या फिर आपके पहले आते थे, जैसे इंग्लिश में मैं आपको बताऊं आपके ये आते थे टेंस कन्वर्जन, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन, लेकिन आपका इसमें हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन नहीं आएगा, आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा क्योंकि ये इंग्लिश का ही पार्ट है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है आपका, और दूसरा आपका क्या आ सकता है, फाइंड द एरर, सिर्फ इन दोनों में से ही कुछ आएगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें बात रही हमारी वोकैब की, तो दोस्तों इसमें वोकैब आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, और ना ही यहाँ पे कहीं लिख रखा है। और अगर आपको यूट्यूब पे कहीं कोई पढ़ा रहा है PET के लिए वो क्या, क्योंकि दोस्तों ये क्लास सिर्फ और सिर्फ PET के लिए है, और अगर आप किसी और बेस के लिए ये इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इस क्लास को ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ PET पर बेस्ड क्लास है। तो मैं आपको सिर्फ PET के लिए स्पेशल चीज़ें बताऊंगा इसमें दोस्तों बुकैब कहीं लिखी ही नहीं है, जब इसमें बुकैब कहीं है ही नहीं सिलेबस में तो बुकैब को पढ़कर करेंगे क्या आप, ठीक है, तो बुकैब इसमें नहीं आएगी आपकी, इसमें आपका सिर्फ ग्रामर और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही दो चीज़ें आएंगी। तो चलिए मैं आपको प्लान बता देता हूँ किस तरीके से हम इसे कवर करेंगे।
दोस्तों हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं आज इंग्लिश ग्रामर को अपनी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। इन टॉपिक्स में आप यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाद में, ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं ये? सबसे पहला है हमारा नाउन, नाउन के बाद में प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव और नरेशन। दोस्तों आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र रहे हैं तो 8th, 9th और 10th में आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर खूब जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके साथ में दोस्तों नरेशन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस के बराबर ही नरेशन पर भी जोर दिया जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये तीन चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इन्हें आप देख लें एक बार, ये तीन चैप्टर आपको हर हालत में कर कर जाने हैं, टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन, सही है। तो दोस्तों हम आज का पहला जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वो हम करेंगे नाउन से, ठीक है। तो हम एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ते हुए चलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इस तरीके से, फिर टेंस आएगा, फिर टेंस के बाद में प्रीपोजिशन देखेंगे। इस तरीके से हम एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, जिससे कि एक शेड्यूल्ड वे में हम चीज़ों को ग्रेस्प कर पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको आज नाउन पढ़ाऊँगा। नाउन में भी दोस्तों ज़्यादा हम हार्ड में नहीं जाएंगे, हार्ड से मतलब जैसा कि सीजीएल वगैरह का लेवल रहता है, हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, पर हाँ टच करने की कोशिश जरूर करेंगे उसे, पर इतना नहीं है कि मैं आपको पूरा बताऊंगा वो, क्योंकि वो इस लेवल की नीड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आती है नाउन की डेफिनेशन, चैप्टर वन है ये हमारा नाउन। नाउन की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? तो देखो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो जो भी आप नाम सोच सकते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, रवि, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे नाउन हैं। प्लेस, जैसे आप जिस सिटी में रहते हों, जैसे मुरादाबाद, बहजोई, संभल, दिल्ली, बॉम्बे, तो ये सब क्या हैं? प्लेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे नाउन्स में काउंट होंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में नाउन के टाइप्स देखते हैं, हम नाउन कितने टाइप के होते हैं हमारे, ये हम देखेंगे। तो नाउन दोस्तों पहला हमारा टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग को जब आप बताते हैं तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि, मुरादाबाद सिटी का नाम बता दिया आपने, ये पर्टिकुलर प्लेस बता दिया आपने, मुरादाबाद, दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, रवि, मोहन, तो ये क्या है हमारे? ये प्रॉपर नाउन है हमारे, ठीक है। जैसे रवि इज अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या हो जाएगा? रवि, ठीक है। आई लिव इन मुरादाबाद, इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या हो जाएगा? मुरादाबाद इज अ नाउन। विच नाउन? प्रॉपर नाउन। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम अगला टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों इन चीज़ों में आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक नॉलेज बेस पर रखनी है अपने पास में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए हाँ कॉमन नाउन होता है, हाँ प्रॉपर नाउन होता है, इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। आपको बस इतना करना है क्योंकि पीईटी के पेपर में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। वो आप खुद ही सोचो, 5 क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो 2 से 3 क्वेश्चन तो वही ले जाएगा, और अगर 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे तो वो क्या क्या पूछ लेगा आपसे? इतने सारे मैंने आपको चैप्टर गिना दिए, ठीक है, इसमें से भी फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर गिना दिए। तो अगर वो टेंथ में से 1 क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके पास में इन चीज़ों में से पूछने की क्या रह गई? सिर्फ 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रह गई। तो आप सोच सकते हैं कि इनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो हम कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन दोस्तों क्या होते हैं हमारे? इट इज़ द नेम्स गिवन इन कॉमन पर्सन, गिवन टू कॉमन पर्सन। जो हम जैसे कुछ कॉमन चीज़ों को कुछ नाम देते हैं, जैसे बॉयज़,
ठीक है, लड़कों के एक ग्रुप को नाम दे दिया बॉयज, लड़कियों के एक ग्रुप को नाम दे दिया गर्ल्स, तो ये क्या हो गए हमारे कॉमन नाउन हो गए ये हमारे। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम, बॉय गर्ल सिटी, सिटी जैसे शहरों के नाम का एक ग्रुप हो गया तो सिटी हो गई, कंट्रीज का एक ग्रुप हो गया तो कंट्री हो गई, कंट्री क्या हो गई हमारी कॉमन नाउन हो गई, थिंग्स, थिंग्स में हमारे क्या आ जाएंगे जैसे हमने काफ़ी सारी बुक्स हो गई, काफ़ी सारे पेन्स हो गए, या जो भी कुछ आप सोच सकते हो जिसको आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज करके कॉमन नाम दे सकते हो तो हमारे क्या हो जाएंगे कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे ट्रीज का एक ग्रुप हो गया तो आप उसमें कह सकते हैं ट्रीज क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जहां आप एक कॉमन कॉमन नाम दे सकते हैं किसी चीज को तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो बॉयज हमारा क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन। तो दोस्तों अगर आपको इस पीडीएफ की अगर लिंक, अगर ये पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो हमारे आपको टेलीग्राम लिंक ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक कहाँ से मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, ऐसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए तो हो गया हमारा प्रमोशन, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं ये दोस्तों, वे नाउन होते हैं विच इंडिकेट्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स लाइक आर्मी, टीम, कमेटी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या बनेंगे, इसका एग्जांपल बनेगा दोस्तों हमारा जैसे जैसे कि ये एक तो ये दे ही रखे हैं, और आप किस चीज़ को कलेक्ट करके, किसी चीज़ को कलेक्ट करके अगर आप उन्हें कॉमन नाम दे सकते हैं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे कलेक्टिव नाउन बन जाएंगे। तो एक तो आर्मी हो गया, टीम हो गई, कमेटी हो गई, किसी चीज़ पे अगर आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है तो वो कमेटी हो जाएगी, और किस चीज़ को आप कर सकते हैं ये आप सोचें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक नोट दे रखा है, यहाँ पर नोट क्या है, यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज एज सिंगुलर, ये इज नहीं एज आएगा ये, तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बट इट कैन बी यूज एज प्लूरल, ये प्लूरल की स्पेलिंग गलत हो गई है दोस्तों यहाँ पर, मैं इसे करेक्ट करके लिख रहा हूँ इधर, पी एल यू आर ए एल, टाइपिंग एरर है ये। ठीक है, तो प्लूरल में यूज करने के लिए इफ़ देयर इज ए डिवीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, तो वो हमारा किस में होगा यूज, प्लूरल में यूज होगा। मतलब जैसे कि अगर हमें टीम, अगर वो एक ही डिसीजन है टीम का तो वो सिंगुलर में यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर टीम के, टीम में अगर हमारे एक से ज़्यादा मेंबर हो गया, टीम तभी बनेगी जब एक से ज़्यादा मेंबर होगा, तो जब टीम में एक से ज़्यादा मेंबर है और उनके ओपिनियन में डिफरेंस है तो दोस्तों हम फिर सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोस्तों ज्यूरी, ज्यूरी आप जानते हैं कोर्ट में जब जजेस की जो बेंच बैठती है, तीन जजों की बेंच बैठती है, पाँच जजों की जब बेंच बैठती है, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स की जब बेंच बैठती है, अगर उनके ओपिनियन सेम होंगे तो दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, लेकिन अगर उनके ओपिनियन डिफरेंट होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, कैसे, द ज्यूरी वर डिवाइडेड अमंग देयर ओपिनियन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है कब हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ में, कब हम सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का हम कब कब इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कलेक्टिव नाउन कब हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और कब हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारी टीम, ज्यूरी या जो भी हमारी कलेक्टिव टीम है, जो हमारा कलेक्शन है लोगों का, तो अगर उनका ओपिनियन या उनकी राय या कुछ भी अगर वो सेम है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है आपको यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका
डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस एग्जाम्पल को लिख लें और इसे भी, वैसे तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो ही जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्टिव के बाद हमारा कौन सा है दोस्तों, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल थिंग्स, लाइक गोल्ड हो गया, मटेरियल थिंग्स सब्सटेंस और थिंग्स, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया और हमारा सिल्वर हो गया, तो ये हमारे क्या है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे क्या होते हैं, ये वो नाउन होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम फील जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से नाउन में आएंगे, ये हमारे आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मिल्क, मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बताएं, सोचें। तो मिल्क हमारा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, कितना मिल्क, कैसा मिल्क, ठीक है। वाटर, वाटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करने पड़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब मैं आपको बताता हूँ काउंटेबल होते क्या है। पहले काउंटेबल मींस दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन हमारे वो होंगे जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज। एंड अनकाउंटेबल मींस दैट कैन नॉट बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल स्मोक, धुआं। बताओ आप धुएं को कैलकुलेट कर सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो क्या, धुएं को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस एक टॉपिक के ऊपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर एसएससी में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर आए या ना आए, बट मेरा काम है आपको आगाह कर देना इस चीज़ से कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में से, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँगा आपसे, आपके जो बाल हैं, हेयर, इन्हें क्या कहेंगे आप, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है। या फिर आपका स्टार्स हो गए, तारे, तारे क्या होंगे हमारे, काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें जो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनकर याद कर लेनी है, ठीक है। क्यों याद कर लेनी है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो हेयर है ना, इसे क्या बताया गया है इंग्लिश में, अनकाउंटेबल। जबकि स्टार को क्या बताया गया है, काउंटेबल। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है बस। हेयर को अनकाउंटेबल बताया गया है और स्टार को क्या बताया गया है, काउंटेबल। अच्छा एक और चीज, जो चीजें आपकी अनकाउंटेबल होंगी ना, आप उनका प्लूरल नहीं बना सकती हैं, ठीक है। जो चीजें आपकी अनकाउंटेबल होंगी उन्हें आप प्लूरल नहीं बना सकते, एस या ई एस जोड़कर या और भी किसी तरीके से, ठीक है। तो जो चीजें हमारी अनकाउंटेबल होंगी हम उनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, और अगर इनका प्लूरल बनाएंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से हम प्लूरल बना सकते हैं कुछ चीज़ों का, ठीक है। कुछ शब्द एक्स्ट्रा ऐड करके हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी आगे आएंगी, तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। ऐसे ही स्टार हमारा काउंटेबल है, ठीक है। तो स्टार का हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे स्टार्स, स्टार का प्लूरल क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा स्टार्स, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, अब हम अगले उस पर चलेंगे हम। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको डिफरेंस पता पड़ गया होगा। अब काउंटेबल हर वो चीज जिसे हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल जैसे हम काउंट ही ना कर सकें। जैसे पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, धुएं को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब अगला है दोस्तों हमारा जेंडर। नाउन के क्या क्या हमारे जेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है।
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हमारे जेंडर्स होते हैं हिंदी में, वही चीज है। तो दोस्तों मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, जो हम मेल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो हम पुरुषों के लिए यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जो हम लेडीज के लिए यूज करते हैं, गर्ल्स और वुमेन के लिए, ठीक है। फिर कॉमन जेंडर, तो दोस्तों कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे जैसे कि आपने कह दिया फ्रेंड, पर्सन, चाइल्ड, स्टूडेंट, कजिन, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर इज यूज्ड वेयर द नाउन कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जो दोनों हो जाए, मेल और फीमेल का जहां से हमें पता पड़ रहा हो, हम मतलब फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो किस में हम काउंट करेंगे उसे, कॉमन नाउन में, ठीक है। तो ये चाइल्ड, स्टूडेंट, पर्सन कौन है पता नहीं है। और न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी और मेज, ये हमारे क्या है, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या कहना है दोस्तों, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं जरा। ये कह रहे हैं, अ नाउन दैट शोज ओनली वन पर्सन, थिंग और एनिमल, ठीक है। कोई भी नाउन जो सिर्फ एक चीज को दर्शा रहा हो, ठीक है, एक चीज को दर्शा रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सही है। प्लेस, मार्केट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। और अगर कोई भी नाउन हमारा दो, एक से ज्यादा चीजों को दर्शा रहा हो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे एक की जगह पहले एक लड़का बता रहे थे, पहले एक बॉय बता रहे थे, अब दो बॉय कह दिए तो बॉयज हो गया। बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज। गर्ल्स का प्लूरल क्या हो गया, गर्ल्स, ठीक है। प्लेस का प्लूरल क्या हो गया, प्लेसेस, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो गए दोस्तों। अब ये कुछ आपके सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के नियम हैं, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ केसेस बता दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में यहां पर चीजें बस जाएं, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं कि चेंज कैसे करते हैं सिंगुलर को प्लूरल में, ठीक है, इनके कुछ रूल्स हैं। और दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको किसी ना किसी बुक में से लाकर दे रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रेप्यूटेड बुक्स हैं, जैसे ये अरिहंत की बुक से लिए गए हैं ये, और पीछे वाले जो थे वो भी किसी ना किसी बुक के ही हैं। तो ये कंटेंट रिफाइंड कंटेंट है, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट है दोस्तों, ठीक है, इस बात से आप बेफिक्र रहें कि ये कंटेंट एरर लेस तो है ही है, लेकिन साथ में बहुत अच्छा भी है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो दोस्तों रूल नंबर एक देखते हैं हम, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में अगर हम एस लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय, बॉय के आगे अगर हम एस लगा दें तो क्या बन जाएगा, बॉयस। ये क्या हो गया हमारा, बॉय का प्लूरल फॉर्म हो गई, क्या होगी, बॉयस। ऐसे ही गर्ल, गर्ल की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, गर्ल्स, ठीक है। काइट, काइट की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, काइट्स। टेलीफोन की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, टेलीफोन्स। इस तरीके से हम कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे आपको जिनके आगे सिर्फ हम एस लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। रूल नंबर टू देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच और जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे बस का, बस का प्लूरल क्या बनेगा, बसेस। फॉक्स का क्या बनेगा, फॉक्सेस। वॉच का क्या बनेगा, वॉचेस, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको याद भी करने हैं और इनको माइंड में रखना भी है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, कि आपको ये चीज़ें कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेंगी पहले, तो तब जाके आपके दिमाग में ये बस पाएंगी, ठीक है। आपने वैसे तो क्लास 6 और 7 में इसकी अलग से बुक भी आती है, अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ से भी आपने देखा होगा, तो इस तरीके के नियम वहाँ उन किताबों में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्लास का क्या बन जाएगा हमारा, क्लासेस। चर्च का क्या बन जाएगा, चर्चेस। क्विज का क्या बन जाएगा, क्विजेस, ठीक है। इस तरीके से एक्स आया तो एक्स हटाकर, सॉरी, एक्स के साथ में क्या लग गया, ई एस लग गया, तो ये क्या बन गया, टैक्स का, टैक्सेस। डिश का, डिशेस। बॉक्स का, बॉक्सेस। कोच का, कोचेस। इस तरीके से ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज हो गए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा ये, या तो आपका देखो ये फिलर्स में भी आ सकते हैं आपके,
इसी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके फिलिंग में भी आएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस फिलिंग में, और दूसरा आपके एरर करेक्शन में भी आ सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ों में आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं दोस्तों, ये आपको एक्सेप्शंस बिल्कुल रट लेने हैं, रट लेने का मतलब बिल्कुल दिमाग में रट लेने हैं, बसा लेने हैं ये, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे यहीं से जाते हैं। कैसे, जैसे वो आपको दे देगा स्टोमक, तो आपको अगर इसका सेंटेंस में दिख रहा होगा, अगर प्लूरल यूज करना है तो आप क्या करेंगे, स्टोमक, स्टोमक के साथ में ईएस जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे सीएच आ रहा था वहां पे आप क्या कर रहे थे, ईएस जोड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों इसका क्या बनेगा, स्टोमक्स। रेडियस, रेडियस का क्या बनेगा, रेडियाई, प्लूरल फॉर्म। लोकस का क्या बनेगा, लोकाई। ऑक्स का क्या बनेगा, ऑक्सेन, ओ एक्स एन। तो दोस्तों ये आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लाकर रखे हैं, तो आपको ये एक्सेप्शंस याद कर लेने हैं, रट लेने हैं बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, जैसे पोटैटो हो गया, तो क्या करेंगे हम, उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हीरोज, हीरो हो गया हमारा, पोटैटो हो गया, मॉस्किटो हो गया, तो हीरो का प्लूरल क्या बन जाएगा, हीरोज। पोटैटो का प्लूरल क्या बन जाएगा, पोटैटोज। मॉस्किटो का प्लूरल क्या बन जाएगा, मॉस्किटोज। मतलब ओ के साथ में ई एस एड कर देना है। ठीक है, ये 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 मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोज, ईएस। कार्गो का क्या बन जाएगा, कार्गोस। एको का क्या बन जाएगा, एकोस। ठीक है, इस तरीके से जिन शब्दों के अंत में ओ आ रहा होगा और ओ के आने से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा होगा तो उनमें हम ओ के बाद में ईएस को ऐड कर देंगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा वो बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, ये एक्सेप्शन आपको फिर से याद करने पड़ेंगे भाई, एक्सेप्शन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हमारे। कैंटो का क्या बन जाएगा, कैंटोस। तो ये हमारा ई एस एड नहीं हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। ठीक है, सिर्फ एस एड हुआ है। डायनेमो का क्या बन जाएगा, डायनेमोस। अच्छा, अगर आप इंग्लिश की लगातार रीडिंग करते रहेंगे ना तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे न्यूज़पेपर पढ़िए, कई बुक्स पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश की न्यूज़ रीडिंग करिए गूगल से, भाई आप सबके पास में फ़ोन होगा तो वहाँ से न्यूज़ रीडिंग करिए इंग्लिश में, तो वहाँ से क्या होगा, जैसे आपको डायनेमो वर्ड आया तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटेंस में यूज़ कर रखा होगा डायनेमोस, तो इस तरीके से भी आपको पता पड़ती रहती हैं चीज़ें। जैसे मेमेंटो है तो इसका क्या बन जाएगा, मेमेंटोस। रेशो है, रेशोज। पियानो है, पियानो का क्या बनेगा, पियानोस। सोलो, सोलोज। फोटो का क्या बन जाएगा, फोटोज। तो अब आपके अगर फ़ोन में फोटो वाला फोल्डर होगा तो उसमें फोटोज नाम से होता है वो फोल्डर, गूगल का जो होता है, तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ें दोस्तों कवर होती रहेंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, अपने साथ में जो आपके साथ में लाइफ में जो चीज़ें आपको दिख रही हो उन पे भी ध्यान दें। ठीक है, जैसे ये क्या लिख रहा है हमारा, क्वार्ट्रो, तो क्या बन जाएगा ये, क्वार्ट्रोस, क्वार्टोस, क्वार्टो लिख रखा है और इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्वार्टोस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर चार। तो दोस्तों रूल नंबर चार क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवल लगे हुए हों, दो वॉवल लगे हुए हैं, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर दो वॉवल लगे हुए हैं, वॉवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बचे हुए क्या होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वॉवल के साथ में क्या लगा दिया जाता है, एस लगा दिया जाता है। तो बी लिख रहा है हमारा ये, बी डबल ई, डबल वॉवल, दो वॉवल, ठीक है, तो दो के साथ में क्या लगा दिया जाएगा, लास्ट में एस लगा दिया जाएगा। ट्री, ट्री का क्या बन जाएगा, ट्रीज। जू का क्या बन जाएगा, जूस। ठीक है, रेडियो, रेडियो का क्या बन जाएगा, रेडियोज। वो का क्या बन जाएगा, वोज। और पोर्टफोलियो का क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं। और दोस्तों रूल नंबर पाँच देखते हैं हम, तो रूल नंबर पाँच हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि नाउन के अंत में वाई आए, अगर किसी नाउन के अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, एवं वाई से पूर्व क्या आ रहा है हमारा, कोई व्यंजन आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सॉरी, व्यंजन का मतलब क्या आ रहा है हमारा, वॉवेल आ रहा है, तो वाई की जगह क्या लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा, उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है,
मैं इसको आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे हमारा किराई है, ठीक है, तो किराई हमारा क्या है, किराई का क्या बनेगा, क्राइस बनेगा। यदि नाउन के अंत में वाई आ रहा है एवं वाई से पूर्व कोई क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है हमारा, तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। तो सी आर वाई क्राई, क्राई का क्या बन जाएगा, क्राइस। डॉल का क्या बन जाएगा, डॉल्स, ठीक है। कंट्री का क्या बन जाएगा, कंट्रीज। फैमिली का क्या बन जाएगा, फैमिलीज। पोनी का क्या बन जाएगा, पोनीज, ठीक है। सिटी का क्या बन जाएगा, सिटीज। और डिक्शनरी का, डिक्शनरीज। रिप्लाई का, रिप्लाइज। वाई हटा के आई ई एस आपको लगा देना है, ठीक है। लॉरी का बन जाएगा, लॉरीज। बॉम्ब का बन जाएगा, बॉम्ब्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगर आपका यहाँ पे वाई आ रहा है, मतलब लास्ट में अगर आपका वाई आ रहा है और वाई से पहले आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वाई हटाना है और आई ई एस लगा देना है। वाई हटाना है, आई ई एस लगा देना है, ठीक है। वाई हटाना है और आई ई एस लगा देना है, सही है। तो रूल नंबर 6 देखते हैं दोस्तों हम। रूल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई आए एवं वाई से पूर्व हमारा क्या आ जाए, कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। कैसे, के की आ गया हमारा, ये की, के ई वाई, के ई वाई, तो की के साथ में हम क्या लगा देंगे, कीज, के ई वाई एस, एस लगा देंगे हम, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ये प्लूरल बन गया। दोस्तों यहाँ पर इसमें भी वाई आ रहा था, देखो सी आर वाई में भी वाई आ रहा है और यहाँ पर भी वाई आ रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाई से पहले हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा था और यहाँ पर वाई से पहले क्या आ रहा है, हमारा वोवेल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है इसमें, ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर वोवेल आ रहा है, इस वजह से हमारे ये चेंजेस हैं। अगर आपका कॉन्सोनेंट पहले आएगा, सो कॉन्सोनेंट अगर आपका पहले आएगा तो वाई हटाकर आई ई एस लगा देंगे आप, और अगर हमारा वोवेल आएगा वाई से पहले तो आपको हटाना नहीं है, फिर सिर्फ एस जोड़ देना है, इतना सा काम है, ठीक है। डोंकी के साथ में क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, डोंकीज। रे के बाद में क्या बन जाएगा, रेस, ठीक है। मंकी का क्या बन जाएगा, मंकीज। वे का क्या बन जाएगा, वेज। वैली का क्या बन जाएगा, वैलीज। टॉय का बन जाएगा, टॉयस। स्टोरी का बन जाएगा, स्टोरीज, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई पे अगर हमारा नाउन एंड हो रहा है, कोई भी वर्ड हमारा एफ या एफ ई पर अगर एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगा देंगे, वी ई एस। किस तरीके से लगाएंगे, एग्जांपल देखते हैं। ये है दोस्तों हमारा काफ, सी ए एल एफ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और क्या कर देंगे, वी ई एस एड कर देंगे। हाफ, यहाँ से एफ को हटाएंगे और वी ई एस एड कर देंगे, ठीक है। वाइफ, वाइफ का ई हटा देंगे हम, एफ ई हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस। थीफ, थीफ का हम क्या हटा देंगे, एफ हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनमें सब में एफ ई अगर लास्ट में आ रहा है तो एफ ई को हटाएंगे, और अगर एफ लास्ट में आ रहा है तो एफ को हटा देंगे और ऐड क्या कर देंगे, वी ई एस, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज करते रहेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रूफ हो गया, प्रूफ का क्या होता है, प्रूफ्स होता है, ठीक है। तो प्रूफ्स नहीं होगा, प्रूफ का प्रूफ्स होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ये प्रूफ है, तो प्रूफ का प्रूफ्स नहीं बनेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, प्रूफ बनेगा, ठीक है। रूफ का रूफ्स नहीं बनेगा, रूफ बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप इनको याद कर लें, सही है। तो आप जब याद कर लेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ये चीजें याद आएंगी और आप क्वेश्चंस को सही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला रूल है दोस्तों हमारा रूल नंबर 8, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं,
ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इस तरीके के दोस्तों जो हमारे नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी मैंने आपको जैसे पीछे वाले में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था वो, उसी तरीके से ये भी कंपाउंड नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक नंबर में, अ लार्ज नंबर, इन द लार्ज नंबर। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो क्या करता है, ब्रदर इन लॉ, इसका अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो वो क्वेश्चन में देता है आपको ब्रदर इन लॉज। ठीक है, कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा आपका, कमांडर इन, कमांडर्स इन चीफ, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ऑन द ऑर्डर ऑफ कमांडर ऑफ चीफ्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ब्रदर इन लॉ, तो आपको अगर इसका प्लूरल सेंटेंस में यूज करना है तो उसने उस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ब्रदर इन लॉज। तो हो सकता है आपके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे टिक कर दें सही, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत एक्चुअल में, क्योंकि सही क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट का हमारा क्या बनेगा प्लूरल, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, पीकॉक का क्या बनेगा, पीकॉक्स। सिस्टर इन लॉ का क्या बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, बेडरूम का क्या बनेगा, बेडरूम्स। स्टेप डॉटर का क्या बनेगा, स्टेप डॉटर्स। पी हेन का क्या बनेगा, पी हेन्स। मदर इन लॉ का क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको याद करने हैं, ठीक है, याद रखने भी हैं, याद करने और याद रखने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ठीक है, वुमेन कंडक्टर का क्या बनेगा, वुमेन कंडक्टर्स। ठीक है, देखो आप इसकी भी यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हुई है, ये स्पेलिंग में भी खेलते हैं दोस्तों आपके साथ में, ये स्पेलिंग में भी खेलेंगे आपके साथ में, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है पेपर में। ठीक है, अगर आपके साथ में वो स्पेलिंग में भी खेलते हैं तो आपको स्पेलिंग भी देखनी है, जैसे आपको मैन और वुमेन, अगर आपको मैन क्या होता है हमारा, ये हमारा सिंगुलर में होता है, और अगर मैं मैन एम ई एन कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाता है प्लूरल में, ऐसे ही वुमेन, वुमेन ये क्या होता है हमारा प्लूरल में होता है, और अगर मैं कर दूँ डब्ल्यू ओ एम ई एन तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल में, ये हमारा किस में होगा, ये हमारा होगा सिंगुलर में। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन इंजीनियर का क्या बन जाएगा, वुमेन इंजीनियर्स। वुमेन लवर का क्या बन जाएगा, वुमेन लवर्स। ठीक है, यहां पर हमारा चेंज नहीं हुआ है तो आप इस चीज को भी याद रखें, ये वाला स्पेलिंग चेंज नहीं हुई है, यहां पे सिर्फ आगे एस लग गया है लवर में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम रूल नंबर 9 देखते हैं, तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है निम्न 8 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवल्स में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इनसाइड द वॉवल हम चेंज करते हैं, कैसे, जैसे जैसे मैन का, तो ए का हमने वॉवल चेंज कर दिया, ए का क्या कर दिया, ई कर दिया ये। ठीक है, ऐसे ही वुमेन का ए का क्या कर दिया, ई कर दिया यहाँ पर वुमेन। फूट का क्या कर दिया, फीट कर दिया। टूथ का क्या कर दिया, टीथ कर दिया। माउस का क्या कर दिया, माइस बना दिया। प्लूरल, दोस्तों ये प्लूरल फॉर्म्स हैं, आपको क्वेश्चन में सिंगुलर फॉर्म दी जाएगी लेकिन आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर प्लूरल लगेगी या फिर सिंगुलर लगेगी। अब अगर आपको प्लूरल का पता पड़ेगा कि भाई यहाँ पर प्लूरल लगेगी तो आपको पता भी तो होनी चाहिए ना वो प्लूरल फॉर्म उसकी कौन सी है। ठीक है, अब उसने ऑप्शन में आपको दे दिया, जैसे माउस दे रखा है, देयर आर टू माउस। ठीक है, देयर आर टू, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे देयर आर टू और ये डैश। ऑप्शन वन दे दिया आपको माइस, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको माउसेस, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको क्या दे दिया, माउस दे दिया, और चौथा कह दिया आपसे नन ऑफ द एबव। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ये None of the above, ठीक है, नोटा None of the above। तो आपको इसमें से अब पता तो होना चाहिए ना भाई हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। आप हो सकता है माउसेस पे लगाएं, आपको लगेगा कि प्लूरल इसका माउसेस बन सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्लूरल माउस का क्या होता है, माइस होता है, तभी आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, लाउस का हमारा लाइस होता है, गूस का हमारा गीस होता है, और डोर माउस का हमारा क्या होता है, डोर माइस। नेक्स्ट देखते हैं हम,
रूल नंबर 10। तो दोस्तों रूल नंबर 10 क्या है हमारा, निम्नलिखित चार नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन या एन ई जोड़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका हमें प्लूरल बनाना हो तो उनके आगे या तो ई एन जोड़ेंगे या फिर एन ई जोड़ेंगे। तो वो देखते हैं हम कौन से हैं। जैसे चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन क्या है हमारा प्लूरल, ठीक है। ऑक्स, ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्सन क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल। काओ, काओ क्या है हमारा सिंगुलर है, और काओ का हमारा वैसे काइन भी होता है और काउस भी होता है, ठीक है। ब्रदर का क्या हो जाएगा ब्रीदरिन, सही है यहाँ तक आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। और अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देता रहता हूँ और पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। दोस्तों रूल नंबर 11 देखते हैं हम। रूल नंबर 11 क्या है, कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का, ब्रदर्स का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स भी इसका प्लूरल होता है, ब्रीदरिन भी प्लूरल होता है। तो ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, सन्स ऑफ सेम पेरेंट। ब्रदर का मतलब होता है हमारा सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, बट ब्रीदरिन मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, ठीक है। क्लोथ्स, क्लोथ का हमारा प्लूरल एक क्लोथ बनता है और एक क्लोथ्स भी बनता है, सी एल ओ टी एच ई एस, ठीक है। तो क्लोथ का मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लोथ, और क्लोथ्स का मतलब होता है स्टिच्ड क्लोथ, जो हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं स्टिच्ड क्लोथ। मतलब मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया, और भी कुछ हो सकता है स्टिच्ड क्लोथ में, जीन्स भी आपकी स्टिच्ड और नॉन स्टिच्ड आती हैं आजकल, ठीक है। तो एक ये है हमारा डाइस, डाई, तो डाई का हमारा प्लूरल बनता है डाइस, और ये बनता है डाइस, ठीक है। डाइस क्या होती है हमारी, स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, और डाइस क्या होता है वही क्यूब्स, अगर आपने लूडो का गेम खेला हो तो उसमें जो डाइस आती है वही हमारी होती है, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्सेस, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, और इंडाइसेस क्या क्या होता है, इंडेसिस का मतलब होता है साइंस यूज्ड इन एलजेब्रा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे नाउन थे जो कि कैसे हैं हमारे, दो तरह के नाउन प्लूरल बन रहे हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब सिंगल नाउन से प्लूरल बनने के बाद में दो तरह के बने और उनके अर्थ क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे लैटिन वर्ड के हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। लैटिन वर्ड्स जिनके शब्द के अंत में यू एम आता है, एक वचन होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यू एम को हटा देते हैं और ए को लगा देते हैं। जैसे अडेंडम, डेटम, ओबम, एरेटम, ठीक है। तो अडेंडम का हमारा प्लूरल क्या बनेगा, अडेंडा। डेटम का क्या बन जाएगा, डेटा। ओबम का क्या बन जाएगा, ओवा। और एरेटम का क्या बन जाएगा, एरेटा। इसी तरीके से एजेंडम का क्या बन जाएगा, एजेंडा। डिक्टम का क्या बन जाएगा, डिक्टा। और मेमोरेंडम का क्या बन जाएगा, मेमोरेंडा। और स्ट्रेटम का, स्ट्रेटा। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ नोट है, आजकल एजेंडा एवं डेटा का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में ही किया जाने लगा है। जैसे द एजेंडा हैज बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है। एजेंडा और डेटा का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में ही प्रयोग किया जाने लगा है। अब प्लूरल में देखें, ये तो दोस्तों हमारे इसने सिंगुलर में यूज करके दिखा दिया है, ये जो एग्जांपल है ये सिंगुलर का। प्लूरल का देखें, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन टुडे, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन टुडे, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से द डेटा इज इनकम्प्लीट, ये क्या है हमारा, सिंगुलर फॉर्म है। और मोर डेटा आर रिक्वायर्ड, ये क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म है। तो आजकल की जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, लैटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे यू एम आता है लेकिन इनके प्लूरल बनाने हेतु इनके पीछे क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यू एम हटा रहे थे और ए लगा दे रहे थे, लेकिन ये कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे हम यू एम हटाएंगे और क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। सॉरी यू एम हटाएंगे नहीं,
बिना यूएम को हटाए ही हम एस लगा देंगे, जैसे एसाइलम, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, एसाइलम्स। म्यूजियम, म्यूजियम का क्या बन जाएगा, म्यूजियम्स। प्रीमियम का क्या बन जाएगा, प्रीमियम्स। पेट्रोलियम का क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम्स, ठीक है। फोरम का फोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स, कोरम का कोरम्स, और फॉर्मूला का, फॉर्मूले के दो होते हैं, एक तो फॉर्मूलाज होता है और एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला में एल ए ई होता है, फॉर्मूलाई, ठीक है, इस तरीके से। मीडियम का प्रयोग, देखो ये कुछ नोट है, मीडियम का प्रयोग जब मींस या एजेंसी के रूप में किया जाता है तो इसका प्लूरल मीडिया होता है, लेकिन जब मीडियम का प्रयोग स्पिरिचुअल सेंस में किया जाता है तो इसका प्लूरल मीडियम्स होता है। देखो क्या है, अगर मीडियम का प्रयोग जब मींस या एजेंसी के रूप में किया जा रहा है किसी चीज के, इधर लिख देता हूं मैं, जब मीडियम का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, एक सेकेंड, मीडियम का प्रयोग जब कैसे किया जा रहा है, किसी के मींस के लिए किया जा रहा है, मींस के लिए जब किया जा रहा है तो क्या होता है, ये हमारा प्लूरल अगर हमें इसका बनाना है, ठीक है, जब हमें मीडियम का प्लूरल बनाना है किसी मींस या एजेंसी के लिए तो क्या बन जाएगा इसका, मीडिया। लेकिन अगर मीडियम को हम स्पिरिचुअल सेंस में यूज कर रहे हैं तो मीडियम का क्या बनेगा, प्लूरल मीडियम्स, ठीक है। ये नोट है दोस्तों, इसे याद रखें, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चंस एक्सेप्शन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं पेपर हम। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है, इनका प्लूरल यूएस को आई में बदलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यूएस को किस में बदलकर, आई में बदलकर बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, देखो ये मैंने आपको बताया भी था पीछे एक्सेप्शन में, सिंगुलर, जैसे रेडियस था तो रेडियस का क्या कर दिया था, रेडियाई, सिलेबस का क्या कर दिया था, सिलेबाई, लोकस का क्या कर दिया था, लोकाय, और जीनियस का क्या कर दिया, जेनी, जीनाय, ठीक है, इस तरीके से इसका बनेगा। और इसके बाद में दोस्तों ये तो हमारे थे लैटिन वर्ड्स, अब हम देखते हैं कुछ ग्रीक वर्ड्स। तो ग्रीक वर्ड्स में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो हमारा जैसे किसी वर्ड के एंड में क्या आता है, आई एस आता है, आई एस आता है, तो इनका प्लूरल क्या बनेगा, आई एस को हम हटा देंगे और ई एस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या बन जाएंगे, ग्रीक वर्ड्स बन जाएंगे, ग्रीक वर्ड्स के सिंगुलर से प्लूरल। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस किसका क्या बन जाएगा, एना, आप इसे एनालिसिस पढ़े चाहे एनालिसिस पढ़े, जो भी कुछ पढ़े, ठीक है। इसके बाद में आपको आई एस हटाना है और ई एस लगा देना है, आई एस, आई एस आपका चला जाएगा और ई एस आपका आ जाएगा, ठीक है, हर वर्ड में जो ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनके हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं ये इस बुक में। क्राइसिस का क्या बन जाएगा, क्राइसिस, हाइपोथीसिस का हाइपोथेसिस, और बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस, ठीक है। तो ये क्योंकि इनका प्रोनंसिएशन में दोस्तों ये सेम वर्ड्स हैं थोड़े से, तो आप इन पर गौर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि थीसिस को आप थेसिस कुछ ऐसे अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये आप इन्हें देखते रहें, ठीक है, देख के समझें इन्हें। आई एस हटेगा और प्लूरल बनाना है तो क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, सही है। इसी तरीके से कुछ ग्रीक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, ओ एन आता है, ऑन आता है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ एन को हटा देंगे और ए से बदल देंगे, ठीक है। जैसे फिनोमिनन, ठीक है, ये एक बहुत ही सॉरी स्पेशल वर्ड है फिनोमिनन, इसका प्लूरल क्या बनेगा हमारा, फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्या बनेगा हमारा, क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है दोस्तों हमारा, अन्य कई प्रकार के नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार बनते हैं, जैसे इफ का क्या बनेगा, इफ्स बन जाएगा, इफ का सिंगुलर है हमारा फॉर्म में और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, इफ्स बन जाएगा, आई एफ एस। फाइव का फाइव्स, पी का पीस, बी ए का बी एस, ए टी एम का ए टी एम्स, ये कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। बट का क्या बन जाएगा, बट्स, टी का टीस, टेन का टेंस, ठीक है, इस तरीके से। कुछ नाउन का, अब हम अगला देखते हैं एफ, कुछ नाउन्स का सिंगुलर में अर्थ प्लूरल फॉर्म के साथ पूर्णतया अलग होता है, ठीक है, इनका उपयोग आप सावधानीपूर्ण करें। जैसे देखो दोस्तों, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में कुछ और मीनिंग दे रहे होंगे वो, लेकिन प्लूरल में कुछ और मीनिंग दे रहे होंगे, ठीक है, मतलब एक ही वर्ड होगा और आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जैसे मैंने बताया ना, आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे एयर,
एयर का मतलब होता है हमारा हवा, और अगर आप एयर के आगे एस लगा दें तो क्या बन जाएगा, दिखावटी। कंपास, कंपास का मतलब होता है सीमा, और कंपासिस ये एक यंत्र होता है, मतलब इक्विपमेंट होता है, ठीक है, दिशा जिससे हम पता लगाते हैं। तो इस तरीके से जैसे पेन है, पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है, तकलीफ, और पेंस अगर हो जाए तो पेंस क्या हो जाएगा, ट्राई करना, प्रयत्न, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारी चेंज हो जाती हैं। मैनर का मतलब हो जाएगा हमारा तरीका, और मैनर्स, यू डोंट नॉट हैव मैनर्स, आपने सुना ही होगा ये, मतलब आप में व्यवहार करने का तरीका ही नहीं है, है ना, इस तरीके से। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है हमारे इंग्लिश भाषा में जो हमारे लेटर्स होते हैं, वर्णमाला है, वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, या किसी और लैंग्वेज में हो, तो वो उसकी अल्फ़ाबेट में हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। और अल्फ़ाबेट्स अगर आ जाए, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, ठीक है। इस तरीके से इनके मतलब एस लगा और मीनिंग ही चेंज हो गया उस वर्ड का। तो इसे आप प्लूरल ना समझ बैठें, इस वजह से ये मैंने आपको बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स ये लिख रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको धोखा दे सकते हैं पेपर में, ये वर्ड्स ऐसे हैं, इन्हें कहते हैं ना रेड हेरिंग, तो ये वही वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आपको पेपर में धोखा दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ इन वर्ड्स को याद जरूर करें, ठीक है। जैसे एक ये वर्ड है आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, और आयरन का मतलब होता है जंजीरें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होगी। आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने नाउन की डेफिनेशन सीखी, नाउन के टाइप्स सीखे, फिर सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट करना सीखा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा आप ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। अगली क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, क्योंकि उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे कि किस नाउन के साथ में क्या हमें यूज़ करना है, रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और नाउन पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें नाउन हमारा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे इन्हीं पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब पीईटी का एग्ज़ाम आपको आ ही गया है, और आप देख सकते हैं हम कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार पीपीटी पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, और लगातार आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इतना तो करें कि कम से कम चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।